नमस्कार दोस्तों, क्या आपको आपकी टाटा नेक्सॉन ईवी या टिगोर ईवी में क्रूज कंट्रोल की आवश्यकता महसूस होती है? आहा, नेक्स्ट क्रूज से आपको मिलते हैं क्रूज कंट्रोल के साथ ही ऐसे और फीचर्स जिससे आपकी गाड़ी आपको निश्चित रूप से 300 किलोमीटर से ज़्यादा का रेंज देगी, बहुत ही सुविधाजनक रूप से। मेरा नाम आकाश है और मैं एक टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर हूँ। अक्टूबर 2020 में मैंने नेक्सॉन ईवी परचेज की थी और उसके ओनरशिप एक्सपीरियंस में और दूसरे जो नेक्सॉन ईवी के कम्युनिटी मेंबर्स हैं जिनके पास ये गाड़ी है, हम सबकी एक विश लिस्ट थी जो कि इस गाड़ी में ऐसे फीचर्स हों तो बहुत ही अच्छा रहे। आहा, नेक्स्ट क्रूज उसी विश लिस्ट का परिणाम है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्रूज के सब फीचर्स की। इस डायल के थ्रू आप सारे नेक्स्ट क्रूज के फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो है क्रूज कंट्रोल। आप क्रूज को ऑन या ऑफ कर सकते हैं और क्रूज चालू रहने की स्थिति में आप क्रूज की स्पीड को एडजस्ट भी कर सकते हैं। इस बटन को लंबी देरी तक प्रेस करने पे क्रूज रिज्यूम भी किया जा सकता है, जिससे कि गाड़ी अपने आप आपकी पुरानी क्रूजिंग स्पीड पे जाएगी। आइए दोस्तों, गाड़ी को क्रूज करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको नेक्स्ट क्रूज के कंपोनेंट्स के बारे में क्विकली बता देता हूँ। एक तो ये है जो डायल, मेन डायल इसका कंट्रोल का पूरा यहीं से होता है। इसमें अच्छी बात यह है कि ये एक प्लेट है और ये एक वायरलेस डायल है और ये आपके गाड़ी के कभी होल पे एक ढक्कन की तरह लगता है, जिससे कि आपका कभी होल अब भी स्टोरेज के काम आ सकता है। इसको इस प्रकार से हम कभी होल पे फिट कर देते हैं और अभी उपयोग के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्रूज का जो दूसरा भाग है वो ये लाइट बार है, जो कि इसकी फंक्शंस की अलग अलग स्टेट्स को दर्शाता है। जो नेक्स्ट क्रूज का मेन यूनिट है वो यहाँ पर डैशबोर्ड के नीचे इंस्टॉल्ड है। आइए दोस्तों, अब हम तैयार हैं क्रूजिंग करने के लिए। हम गाड़ी की स्पीड को करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा पे इसको लेके जाएंगे और उसके बाद में ये जो डायल का सेंटर बटन है, जो बीच वाला बड़ा बटन है, उसको इस प्रकार से दबा देंगे तो इससे क्या होगा कि यहाँ ये हरी एलईडी ऑन हो जाएगी, जो ये बताती है कि मेरी गाड़ी अभी क्रूज कर रही है। और हम देख सकते हैं कि स्पीडोमीटर पे, गाड़ी के डैशबोर्ड पे, लगभग 40-41 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चल रही है और नीचे मैंने एक्सीलरेटर पेडल से अपना पाँव हटा रखा है और गाड़ी क्रूजिंग कर रही है। दोस्तों, अब हम डायल के उपयोग से जो स्पीड है उसको घटा या बढ़ा सकते हैं और पैर अभी भी एक्सीलरेटर पेडल से दूर ही है। और इस तरह से अगर मैं क्लॉकवाइज डायल को घुमाता हूँ तो जो स्पीड है वो बढ़ जाती है और एक स्टेप से 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ती है। तो जैसा अभी आप देख रहे हैं कि अभी गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा पे क्रूज कर रही है और मेरा पाँव अब भी एक्सीलरेटर पेडल से दूर है। इसी प्रकार डायल को मैं उल्टी दिशा में घुमा के स्पीड घटा सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप देखिए कि मैंने क्रूजिंग स्पीड को 50 से नीचे ला के 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया है। पाँव को उपयोग नहीं लिया है स्पीड को बदलने के लिए और गाड़ी अब मेरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा पे क्रूज कर रही है। दोस्तों, एक और अच्छी बात इस सिस्टम में यह है कि आपकी कोई मिनिमम क्रूजिंग स्पीड नहीं है, आप चाहें तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा पे भी क्रूजिंग कर सकते हैं। दोस्तों, क्रूजिंग के लिए हाईवे ड्राइविंग में दो सिनेरियोज और अच्छी चीजें जो कि नेक्स्ट क्रूज आपको देता है, एक तो क्रूज रिज्यूम और एक एक्सेलरेशन वाइल क्रूजिंग। तो क्रूज रिज्यूम पहले हम देखते हैं। सपोज कीजिए कि आप आराम से एक 55 की स्पीड पे रफली आप क्रूज कर रहे हैं, इस प्रकार से अभी गाड़ी क्रूज हो रही है और सपोज आगे कोई अड़चन आती है और आपको ब्रेक दबाना पड़ता है, तो ब्रेक दबाने पे आपका क्रूज जो है वो बंद हो जाएगा और गाड़ी की स्पीड कम होने लग जाएगी। तो यदि आप वापस पुरानी क्रूजिंग स्पीड पे जाना चाहें तो कृपया बस इस बटन को इस प्रकार से 1 सेकंड के लिए दबा के रखें और आप देखेंगे कि गाड़ी की स्पीड जो है वो वापस पिकअप होने लग गई है और गाड़ी क्रूज मोड में आ गई है। अब इसकी जो एनर्जी है वो जितनी ज़रूरत है गाड़ी उतनी लेगी और उसके बाद में जो पुरानी क्रूजिंग स्पीड है उसके ऊपर आके ये स्टेबल हो जाएगी और गाड़ी उस स्पीड पे कंटिन्यू करेगी। इस पूरे दौरान मैंने एक्सीलरेटर पैडल को नहीं दबाया है,
सिर्फ इस डायल को मैंने 1 सेकंड के लिए दबाया था, जिससे गाड़ी पुरानी क्रूज़ स्पीड पे रिज्यूम कर चुकी है। दूसरा सिचुएशन, यदि मुझे हाईवे पे ओवरटेक करना हो तो मैं ना कुछ देर के लिए एक्सीलेटर पेडल को इस तरह से दबा सकता हूँ तो गाड़ी स्पीड पकड़ लेगी और स्पीड ऊपर निकल जाएगी, लेकिन जैसे ही मैंने एक्सीलेटर पेडल को छोड़ा है तो गाड़ी अपनी पुरानी क्रूजिंग स्पीड पे लौट आएगी और जो मेरी 55 की स्पीड थी उसके ऊपर गाड़ी कंटिन्यूसली चलती रहेगी। दोस्तों, ये दोनों ही सिनेरियो आपको हाईवे ड्राइविंग में बहुत ही काम के साबित होने वाले हैं। जो दूसरा फीचर है वो है कोस्ट मोड। कोस्ट मोड के थ्रू आप गाड़ी की रीजनरेटिव ब्रेकिंग को बंद कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बारी है कोस्ट मोड को एक्शन में देखने की। नॉर्मल कंडीशंस में जब मैं एक्सेलरेटर पेडल को छोड़ता हूँ तो कार इस प्रकार से रीजनरेशन करती है और स्पीड कम होने लग जाती है और धीरे धीरे कार रुक जाती है। कभी कभी ये बिहेवियर हमको नहीं चाहिए, जैसे हम हाईवे पे जा रहे हैं और गाड़ी ना चाहते हुए भी रुक जाए, या कि कोई ट्रैफिक सिग्नल है जो काफ़ी दूरी पे है और हम चाहते हैं कि गाड़ी वहाँ तक रोल करके जाए लेकिन रीजन की वजह से कार पहले ही रुक जाए। तो यहाँ पर आप सिंपली ये जो कोस्ट बटन है इसको इस प्रकार से आप दबा दीजिए और आप अब ये इंडिकेटर लाइट देखेंगे, और अब जब आप एक्सेलरेटर पेडल को इस प्रकार से छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल भी कार में रीजनरेशन नहीं हो रहा है और कार की स्पीड भी नहीं गिर रही है। दोस्तों, ये है कोस्ट मोड। तीसरा फीचर है एनर्जी कंट्रोल। एनर्जी कंट्रोल में आपको मिलते हैं इको और डीप इको मोड्स। इससे आपकी गाड़ी को मैक्सिमम रेंज मिलती है। अब देखते हैं इको और डीप इको एनर्जी मैनेजमेंट मोड्स को एक्शन में। दोस्तों, नॉर्मली जब हम कार को ड्राइव करते हैं इस प्रकार से तो हम देखते हैं कि ये जो एनर्जी ग्राफ है ये पूरा 100% तक जाता है और एस मोड में तो ये 125% तक जाता है। इससे कार की एनर्जी काफ़ी जल्दी ड्रेन होती है। इस सिचुएशन में एनर्जी कंजर्व करने के लिए यदि हम इको दबा देते हैं तो हम चाहे जितना ज़ोर से एक्सीलेटर पेडल दबाएं, ये जो एनर्जी ग्राफ है ये इको मार्कर से ऊपर नहीं जाएगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि कार की रेंज बढ़ जाती है। अगर हमको इको से भी ज़्यादा एनर्जी को बचाने की आवश्यकता है तो हमको डीप इको मोड मिलता है। इसको दबाने पे जो कार की एनर्जी है वो 15% से ज़्यादा स्पेंड नहीं होती है। दोस्तों, इस मोड में हमें निश्चित रूप से कार की जो रेंज है वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा मिलेगी। और चौथा फीचर है स्पीड लिमिट या स्पीड गवर्नर। जो भी आप मैक्सिमम स्पीड इसमें सेट करते हैं आपकी गाड़ी जाने अनजाने में कभी भी उस स्पीड को क्रॉस नहीं करेगी। दोस्तों, यदि आप आहा नेक्स्ट क्रूज़ को अपनी गाड़ी के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं तो 26 जनवरी तक इसकी बुकिंग्स चालू है और ये ऑर्डर्स अप्रैल 2022 में फुलफिल किए जाएंगे। ओपन मार्केट में इसको अभी उपलब्ध होने में और थोड़ा समय लगेगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ कॉमन सवालों की जो हमें आपकी ओर से मिलते रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि कार की वारंटी के बारे में क्या होगा, अगर आप नेक्स्ट क्रूज़ इसमें इंस्टॉल करते हैं तो कार की वारंटी का क्या स्टेटस रहता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्रूज़ आपकी कार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसको इंस्टॉल करते वक्त आपको कार में कोई भी वायर कटिंग नहीं करनी होती है, कार किसी भी तरह से ऑल्टर नहीं की जाती है और ये जो अपनी पावर है वो जहाँ से लेना चाहिए वहीं से लेता है, जो कार की 12 वोल्ट की बैटरी है। जो ओबीडी बस पे इसका कनेक्शन है वो सिर्फ मैसेज को पढ़ने के लिए है और ये कुछ भी उसके ऊपर लिखता नहीं है, तो ये हर तरीके से सेफ़ है। इसको डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि ये आपकी कार की वारंटी को बिल्कुल भी वॉइड ना करे। इसी के साथ ही हमने टाटा मोटर्स को भी अप्रोच कर रखा है और कोशिश कर रहे हैं कि वो इसको इवेल्यूएट करें और अपना ओपिनियन इस पे दें। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि नेक्स्ट क्रूज़ ऑलरेडी 1,00,000 किलोमीटर से ज़्यादा रियल वर्ल्ड कंडीशंस में चल चुका है और 100 से ज़्यादा व्हीकल्स में इंस्टॉल हो चुका है। तो अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो ये भी इसी मोमेंट आपके लिए तैयार है और आप इसको ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगला सवाल, आप किसी एग्जिस्टिंग नेक्स्ट क्रूज़ यूज़र से कैसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम पे नेक्स्ट क्रूज़ यूज़र्स ने एक कम्युनिटी बनाई है जिसका लिंक ये है और इसको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके डायरेक्टली उन लोगों से बात कर सकते हैं, उनके अनुभव पूछ सकते हैं जो कि नेक्स्ट क्रूज़ का यूज़ कर रहे हैं। तीसरा सवाल,
ये यूनिट आपकी कार में कैसे इंस्टॉल होगी और इस यूनिट की वारंटी के बारे में क्या डिटेल्स हैं। दोस्तों, इस यूनिट को इंस्टॉल करने के लिए आपकी सिटी में हमारे ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होंगे और वो पूरी जिम्मेदारी से इस यूनिट को आपकी कार में इंस्टॉल करेंगे। और ये यूनिट नेक्स्ट क्रूज पूरे 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ में आता है। अगला कॉमन सवाल, क्या नेक्स्ट क्रूज किसी और कार में भी इंस्टॉल हो सकता है क्या, जैसे कि पेट्रोल या डीजल नेक्सॉन या किसी और प्रकार की कार में? तो दोस्तों, नेक्स्ट क्रूज अभी सिर्फ टाटा टिगोर ईवी और टाटा नेक्सॉन ईवी के लिए ही डिजाइंड है, ये और किसी कार में इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्रूज की कीमत है मात्र 25,990 रुपये प्लस GST, और इसको आप अभी बुक कर सकते हैं। इसका 50% अमाउंट मतलब 12,995 रुपये हमको भिजवा के, और हम आपका नेक्स्ट क्रूज आपको अप्रैल 2022 में पहुंचा देंगे। इसको बुक करने के लिए आप स्क्रीन पे दिखाए गए वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, यही लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।